हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बहुत दिनों के बाद वीडियो डाल रही हूँ। सच कहूँ तो इतने दिन तक मन ही नहीं किया, क्योंकि हर तरफ से, दुनिया के हर कोने से बुरी खबरें आ रही हैं। तो मतलब क्या कहूँ, फिर सोचा कि नहीं, उस बारे में मेरे कुछ कहने ना कहने या दुखी रहने से कुछ चेंज तो होने वाला नहीं है, उल्टा अपनी ही सेहत ख़राब करने वाली बात हो जाती है। तो सोचा कि नहीं, कुछ पॉजिटिविटी शेयर की जाए, कुछ अच्छा शेयर किया जाए आप लोगों के साथ। वैसे भी कनाडा में हम लोगों का तो 6 महीने 7 महीने विनिपेग में इतनी ठंड होती है कि हम तो रहते ही क्वारंटीन में ही हैं, और सॉर्ट ऑफ लॉकडाउन ही हो जाता है हमारे लिए तो आधे साल से ज़्यादा। और गर्मियां आती हैं तो हर साल हम लोग कनाडा वाले पागल ही हो जाते हैं कि बहुत अच्छा मौसम आया है। लेकिन अब इस साल कुछ अलग ही है। पिछले साल तो हम शादी के लिए इंडिया चले गए थे, हमारे नेफ्यू की शादी थी और कुछ ज़्यादा वीडियोस यहाँ की नहीं बन पाई थी। बहुत महीनों नहीं, बहुत सालों के बाद साइकिल चलाने की कोशिश कर रही हूँ। लग रहा है साइकिल भूल ही गई है, मतलब चलाना ही भूल गई हूँ। लेकिन कहते हैं कि स्विमिंग, साइकिलिंग और ड्राइविंग अगर आपने कभी सीखी है अच्छे से तो कभी नहीं भूलती। तो थोड़ा सा मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा है बैलेंस बनाने में। और आखिर मैंने विजय पा ही ली थी, तो अभी जा रही हूँ, अभी थोड़ी देर में ही एक चक्कर लेके वापस आ रही हूँ। लेकिन ये थोड़ा सा मैंने बोला, सोचा थोड़ा सा शेयर कर लेती हूँ, और फ्यूचर में बहुत डिफरेंट सी और अच्छी सी वीडियोज़ बनाने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, क्योंकि अभी यहाँ भी लॉकडाउन ऑलमोस्ट खुल गया है और टच वुड हमारे यहाँ पे केसेस बहुत ना के बराबर हैं। तो चलिए वीडियो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये मैं वापस आ गई हूँ और हस्बैंड भी इसी बाइक पे जाएंगे, यहाँ पे बाइक बोलते हैं साइकिल को भी। हमारे पुराने घुड़सवार आ गए, द ओल्ड टाइम राइडर, साइकिल वाला मुंडा। आइए, वेलकम बैक सर जी। स्मॉल बाइक। शाम को मैंने समोसे बनाए थे घर पे ही, कोशिश की थी, बाजार जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन जो भी बना वाह। अब बोले हमारा पुराना साइकिलिस्ट तो एक मिनट में निकल गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़। थैंक्स।